एक मनीषा रानी है बिग बॉस OTT की जी आने में, उनका नया सॉन्ग आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? आप हमेशा से नए स्टार को सपोर्ट करती रही है, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? टीजर को काफ़ी प्यार मिला है, टोनी कक्कर के साथ में उनका 17 मिलियन गया है और अब 2 मिलियन टीजर को जा चुका है। शादी का वक्त जैसा सॉन्ग है, क्या कहना चाहोगे? देखिए मनीषा रानी के लिए, नेहा कक्कड़ जी और टोनी कक्कड़ जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो देश चाहता है कि आप भी उनके साथ काम यकीनन अगर वो चाहते हैं तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगी। और मनीषा को ढेरों शुभकामनाएं, बड़ी क्यूट लगती हैं वो और बड़ा क्यूट बोलती हैं, तो मैं चाहूँगी कि बप्पा उनकी ज़िंदगी में ढेरों ढेरों आशीर्वाद दें उनको और उनके परिवार वालों को, और उन सब का जीवन मंगलमय हो और बस इसी तरह बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट्स देते रहें। और लेकिन जो सोशल मीडिया में होता है जी, इन दिनों जैसे कि LV यादव विनर थे, लेकिन कुछ लोग कहते कि ही इज़ नॉट विनर, अभिषेक शुक्ला इज़ अ विनर और फैंस ने उनको बनाया, जब वोट गए तो तभी तो विन गए। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट है घर के जैसे कि जिया शंकर, वो बोलते कि मेरे लिए तो अभिषेक ही विनर है। लेकिन क्या आपको लगता है जी विनर के लिए डिसहार्टन है? देखिए मेरे ख्याल से सभी फाइनलिस्ट विनर्स होते हैं, तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 टॉप 5 फाइनलिस्ट्स सभी विजेता हैं। और रही बात एल्विश की या अभिषेक की, तो दोनों की बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत लोग इन्हें पसंद करते हैं, चाहते हैं, इन्हें इनसिक्योर फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इनके फैंस को। बप्पा की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। और मैं एक और मोदक इस बात पर खाना चाहूँगी लेकिन क्या आप काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि हाल ही में एल्विश का सॉन्ग आया था उर्वशी रोटेला के साथ जी, और वो काफ़ी हिट हुआ है, क्या फ्यूचर में क्या आप काम करना पसंद करोगे एल्विश और अभिषेक फुकरा जी के साथ काम करना? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए बतौर आर्टिस्ट मैं हर उस आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहूँगी जो अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर भूख हो आगे बढ़ने की, चाहत हो, जुनून हो। मुझे दीवान की बहुत पसंद अपने काम के प्रति, तो मैं देख रही हूँ कि एल्विश और अभिषेक कैसे हंसते खेलते अपना काम करते हैं, अपने फैंस के साथ बातचीत करते हैं, तो यही तो है जीवन, और क्या रखा है ज़िंदगी में। प्यार दो, प्यार लो, खुशियाँ बांटो और मनोरंजन करो। ओके, एक आखिरी सवाल।